हे गाइस, वेलकम टू माय किचन दैट इज धस्माना किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रोकली की बहुत ही टैम्पिंग सब्जी की रेसिपी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ एज ऑलवेज बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं प्रोसीजर। कढ़ाई ली है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रोकली ली है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से पानी से मैंने धो लिया था। ये डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें थोड़ा सा कुक करना है ताकि जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी हम इसे कवर कर देंगे और केवल 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे दोबारा से। ये देखिए, अभी बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक हमें नहीं करना है, बस इतना ही इसे पकाना है। और ये ब्रोकली हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे। तो ब्रोकली को मैंने निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में अब हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और इसे अच्छी तरह से तड़कने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे तो मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसे हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, दैट मीन जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम इसे पका लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इन तीनों को अब हमें अच्छी तरह से भूनना है इसी तरह से चलाते हुए। ये देखिए प्याज हमारा यहाँ पर भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और कोई भी मसाले मैं इसे यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक ही चुकंदर लिया है और उसका जितना हिस्सा मैंने छिला हुआ है इसे हम ग्रेट कर लेंगे, दैट मीन्स कद्दूकस कर लेंगे, यानी कि 1 चम्मच के करीब, और ये इसमें डाल देंगे। तो ये चुकंदर डालने का पर्पज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छा कलर लाना है, इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती है। तो आप अगर सब्ज़ी में अच्छा कलर लाना चाहते हैं तो ये ज़रूर से यूज़ करें। तो बस इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी डालने से हमारा मसाला जलेगा नहीं और टमाटर को सॉफ्ट होने में ये हेल्प करेगा। तो अब हम इसे कवर करके पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पका सकते हैं, लेकिन कवर करने से क्या होगा, ये जल्दी से टमाटर जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए हम ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेते हैं और ये देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए एकदम मेल्ट हो चुका है टमाटर और मसाले भी हमारे भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। यहाँ पर मैंने ये होममेड कसूरी मेथी लिया है। इसे हाथों में इस तरह से रब कर लेंगे और ये डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इससे ब्रोकली की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मसाले ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर भून चुके हैं, ऑयल भी इसमें से रिलीज होने लगा है। तो अब जो हमने ब्रोकली हाफ कुक करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि मसाले जो है ब्रोकली में अच्छी तरह से कोट ना हो जाएँ। तो देखिए सारे मसाले ब्रोकली में कोट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे कवर करके पकाना है। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से ब्रोकली सॉफ्ट ना हो जाए। तो एवरी आफ्टर 4 और 5 मिनट्स इसे हम चेक करते रहेंगे। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार और सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, सब्ज़ी जलेगी भी नहीं और सब्ज़ी जो है ऊपर नीचे होने से हर तरफ से इक्वली पक जाएगी। तो एक बार दोबारा से इसे कवर करके पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 3री बार चेक कर रही हूँ और ब्रोकली की सब्ज़ी हमारी परफेक्टली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है इसमें। और इसे अभी हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है, तो बस इस तरह से इसे चला लेंगे और गैस की फ्लेम को अब कर लेंगे यहाँ पर बंद। तो लीजिए तैयार है हमारी टैम्पिंग सी ब्रोकली की सब्जी बनकर। तो है ना कितनी इजी रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन हिट करना ना भूलें। मैं फिर लेकर आऊँगी आपके लिए आपकी एक और पसंदीदा रेसिपी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का। बाय बाय।